जीवनधारा संघ का उत्तर भारतीयों के लिए असलफा मेट्रो स्टेशन के नीचे आमरण अनशन हुआ समाप्त। ये अनशन करने का कारण 22 जनवरी 2024 को संघर्ष नगर इच्छापूर्ति संकट महादेव मंदिर में सांसद पूनम महाजन द्वारा पूजा अर्चना की जा रही थी। उसी समय भाजपा के वार्ड नंबर 161 के अध्यक्ष प्रदीप बंड ने उत्तर भारतीय समाज और ब्राह्मण पुजारी को गाली दिया था। उस समय भाजपा चांदीवली विधानसभा अध्यक्ष प्रकाश मोरे हंस रहे थे, जिसके कारण उत्तर भारतीय समाज बहुत आहत है। जिसके बाद जीवनधारा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद भावपांडेय, मुंबई महिला अध्यक्षा साधना शर्मा व उत्तर भारतीय समाज ने आमरण अनशन की चेतावनी दी थी, लेकिन साकिना का पुलिस बल का सम्मान करते हुए उनके आश्वासन पर अनशन समाप्त किया गया, जिसमें भाजपा के वरिष्ठों और महाराष्ट्र प्रदेश व मुंबई के वरिष्ठ पदाधिकारियों से मांग की है कि भाजपा के वार्ड क्रमांक 161 के अध्यक्ष प्रदीप बंद साधना शर्मा के परिवार से सार्वजनिक माफी मांगे और सोशल मीडिया की वीडियो डिलीट करे व भाजपा चांदीवली विधानसभा अध्यक्ष प्रकाश देवजी मोरे को विधानसभा अध्यक्ष पद से व भाजपा वार्ड क्रमांक 161 के अध्यक्ष प्रदीप बंद को पद से हटाया जाए और सुरेंद्र यादव को भाजपा के पद पर पुनः सम्मान सहित लिया जाए व उत्तर भारतीयों को अपशब्द कहने वाले पर कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जीवनधारा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद भाव पांडेय ने खुली चेतावनी देते हुए 5 दिन के बाद 16 फरवरी 2024 शुक्रवार को फिर से असलफा मेट्रो स्टेशन के नीचे पुनः आमरण अनशन पर बैठेंगे और प्रदीप बंड का कार्यालय तोड़ने की बात कही है। अनशन में मुख्य रूप से उपस्थित यादव संघ के सुरेंद्र यादव, समाज सेवक सर्वेश सिंह व राजेश तिवारी, जीवनधारा संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल कुड़िया, जीवनधारा संघ परिवार के तमाम लोग, उत्तर भारतीय समाज उपस्थित था। देखो, बीजेपी पार्टी से हमें कोई बैर नहीं था, लेकिन हम नरेंद्र मोदी साहब की बहुत इज्जत करते हैं और हमारे उत्तर प्रदेश से हर प्रधानमंत्री को उत्तर प्रदेश से दिया गया है। उसके बाद भी उत्तर प्रदेश वालों को यहाँ पे गाली दिया जाता है, प्रांतीय बोला जाता है, अनाप शनाप बका जाता है और एक वार्ड अध्यक्ष जिसकी कोई औकात नहीं है, मुझे ये बोलना पड़ रहा है गंदे शब्दों में, वो प्रदीप बंद जो उत्तर भारतीयों से वोटों की भीख मांगता है, आज वो उत्तर भारतीयों को गाली दे रहा, ब्राह्मणों को गाली दे रहा, जिससे पूजा अर्चना में वहाँ पे पूनम महाजन और प्रकाश मौर्य की उपस्थिति रहती है। उसके बाद जब लोग वहाँ पे उनका विरोध करते हैं, उनको पार्टी बस से निकाल दिया जाता है। इसके लिए हमें ये आंदोलन करना पड़ रहा है। ये प्रकाश मोरे विधानसभा अध्यक्ष बीजेपी के और प्रदीप बन वार्ड अध्यक्ष बीजेपी के, इन्होंने 22 जनवरी को पूनम महाजन की उपस्थिति में उत्तर भारतीयों को, ब्राह्मणों को गाली दिया था, जिसका आज हम लोग विरोध कर रहे हैं। जिस तरीके से बीजेपी को एक हिंदूवादी संगठन कहा जाता है या पार्टी कहा जाता है, ऐसे में जो है हिंदुओं की देखो इसी चीज़ों का विरोध किया गया था कि उत्तर भारतीयों को गाली दिया गया, ब्राह्मणों को गाली दिया गया। आज बीजेपी पार्टी के जो आज जो अस्तित्व है ना, वो भारतीय जनता पार्टी की, वो उत्तर भारतीयों की वजह से है। जब पार्टी चौका और ये सब चीज़ों की प्रोग्राम करते, लेकिन उत्तर भारतीयों को इज्जत नहीं दी जाती। आज प्रदीप बंद अयोध्या भेज रहे हैं, क्यों अयोध्या भेज रहे हो आप उत्तर भारतीयों को? उत्तर भारतीय उनके बाप की जहांगीर नहीं है, जब आए गाली दे दिया, उल्टा बोल दिया, उनका दुकान तोड़ दिया। ऐसे लोगों को मनसे से आए ना, तो मनसे वाली स्टाइल यहाँ पर नहीं चलेगी। और हम मनसे हो, शिवसेना हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, उत्तर भारतीयों का जो विरोध करेगा उसका हम विरोध करेंगे। अब उत्तर भारतीय जागरूक हो चुका है। प्रकाश मोरे और प्रदीप बंड को हम लोग चेतावनी देते हैं, अगर इनका पद खाली नहीं हुआ तो इनकी ऑफिस हम लोग जाकर तोड़ देंगे। जो हमारी यहाँ की खासदार है, उनको जागरूक होना ही पड़ेगा। आने वाला इलेक्शन है, हम मोदी जी के लिए लड़ेंगे जरूर, मगर खासदार के विरोध में उतरेंगे। जब तक मोरे और हमारे प्रदीप बंड 161 के वार्ड अध्यक्ष राजीनामा नहीं देंगे, उनको पार्टी से नहीं निकाला जाएगा, तब तक ये आंदोलन चलेगा। यहाँ नहीं, ताई के ऑफिस से लेके दादर ऑफिस तक हम ईंट से ईंट बजाएंगे, मगर हमारा आत्मसम्मान हम वापिस लेके रहेंगे। ये हम खुली चेतावनी देते, ये नहीं कि ये आंदोलन आज ही खत्म हो जाएगा, ये आंदोलन ऐसे ही चलेगा। और इसके लिए 2 दिन का हम समय देते हैं हमारी खासदार को, उनको प्रदीप बंड को निकालना है, मोरे को निकालना है, यही हमारी मांग है। और सुरेंद्र यादव को उस पद पर पूनम ताई को लेना ही पड़ेगा। मोदी जी का, आदरणीय मोदी जी का जो सपना है, सबका साथ सबका विकास, सबको लेके चलना, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग पदाधिकारी ऐसे लोग हैं जो ये सपने को पूरा नहीं करना चाहते हैं, जो कि ब्राह्मणों को गाली दिया जाए तो उत्तर भारतीयों को गाली दिया जा रहा है।
और बताइए दूसरे पार्टी के लोग गाली दे, समझ में आ रहा है कि हमारे पार्टी के लोग होके अभी पदाधिकारी लोग होके गाली दे रहे हैं, मतलब हम कहाँ तक यहाँ पे सोच सकते हैं? बस सोचिए जरा, अगर इनको क्या नाम से पद से नहीं हटाया जाएगा, ये आंदोलन हम करते रहेंगे, मुंबई हो महाराष्ट्र हो सके तो हम दिल्ली तक जाएंगे अगर इनको पद से नहीं हटाया जाएगा। मैं पूनमताई महाजन और सभी पदाधिकारियों से कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र और मुंबई में, जो कि मुंबई में आज उत्तर भारतीय जो है वो एक रीढ़ की हड्डी बनी है, उस रीढ़ के हड्डी को पार्टी के कुछ छोटे कार्यकर्ता जो है वो उसको तोड़ना चाहती है, एक मराठी लॉबी बनाना चाहती है। तो इसके लिए पूनमताई ने इसका संज्ञान लेना चाहिए कि हम पार्टी में कर क्या रहे हैं, हमारा अपने लोकसभा के ऊपर आपका ध्यान है या नहीं है, उत्तर भारतीयों के पास में आपका लक्ष्य केंद्रित करना चाहिए। संविधान पे पूरा भरोसा है कि हमको न्याय देंगे, और आज हम ये इसलिए स्थगित कर रहे हैं कि हमारे पुलिस प्रशासन ने बोला है कि हम 24 घंटे के अंदर आपको न्याय देंगे, नहीं तो हम दो दिन में फिर यहाँ आंदोलन चालू करेंगे, बुधवार को 12 बजे फिर हम सब यहीं मिलेंगे। जय हिंद, जय श्री राम। देखो आज हम ना पुलिस वालों का सम्मान रख के आंदोलन खत्म तो कर रहे, लेकिन ये आंदोलन के बाद अगर 5 दिन के अंदर ये चीज़ें अगर पुलिस ने प्रदीप बंद पे कार्रवाई नहीं की तो प्रदीप बंद की ऑफिस तोड़ी जाएगी, तो पुलिस उसके बाद हमारे ऊपर केस ले या कुछ भी ले, प्रदीप बंद का ऑफिस मैं जाके तोड़ दूंगा, उसके बाद पुलिस वाले को जो करना होगा कर लेंगे, नहीं तो प्रदीप बंद के ऊपर पुलिस वाले को कार्रवाई करना चाहिए, पूनमताई महाजन को प्रदीप बंद को पद से इस्तीफा मांगना चाहिए, दिलाना हटाना चाहिए पद से, यही हमारे उत्तर भारतीयों की मांग है, और प्रकाश मौर्य को भी पद से हटाना चाहिए।